एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक गजरोला में स्थित रखेड़ा गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने उपेंद्र सिंह को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 5500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 14 किलोमीटर ही है। लगभग 2200 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 714 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 200 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 10 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 6 नल रिबोर कराए गए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 30 विद्युत पोल, 3 ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 342 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, बारात घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 90 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम तहसील हसनपुर, थाना हसनपुर, जिला अमरोहा। मेरे ग्राम पंचायत में ना ही कोई मकान बना है और ना ही कोई अभी तक कोई रास्ता ऐसी है जो मेरा रास्ता बहुत परेशानी है। कोई नाले का व्यवस्था नहीं, बाहर निकलने पानी करने की कोई, ना विधवा पेंशन है 10-15 पेंशन कुल है और ना 60 साल पेंशन है, ना कोई बारात घर है गाँव में, ना पंचायत घर, ना ही कोई बारात घर ना, और ना ही मतलब मेरे गाँव में 14-15 किलोमीटर पड़ता है गजौला, 15 किलोमीटर पड़ता है हसनपुर और इस विचालय में 50 गांव बसते हैं। अस्पताल के बारे में बहुत बहुत बड़ी समस्या है और कोई इतना पैसा नहीं आता है जो हम अपने गांव का पूरा विकास कर पाए। मेरे गांव में 2200 वोट हैं और लगभग 6000 की जनसंख्या है और 600 परिवार है।